प्रियंका गांधी का यूपी दौरा जो है उसका दूसरा दिन रद्द हो गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली के लिए लौट रही प्रियंका गांधी, सीधा लखनऊ एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, रायबरेली में प्रियंका गांधी के दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम रद्द किए गए। कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली के लिए लौट रही हैं प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि सीधा लखनऊ एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगी। तो आज का पूरा शेड्यूल जो प्रियंका गांधी का था, रायबरेली के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल रद्द कर दिया गया है। तमाम कार्यक्रम उनके थे और दिल्ली के लिए लौट रही हैं प्रियंका गांधी, सीधा लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। प्रियंका गांधी का यूपी के रायबरेली का दौरा जो है उसके दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आपको बता दें कि कई सारे कार्यक्रम थे प्रियंका गांधी के, कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली के लिए लौट रही प्रियंका गांधी और सीधा लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। रामानुज हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामानुज, आज भी दूसरे दिन का उनका दौरा था, रायबरेली दौरा था प्रियंका गांधी का, आखिर क्यों रद्द हुआ ये दूसरे दिन का दौरा? कई सारे कार्यक्रम उनके थे। देखिए किम, उनका अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 दिवसीय दौरे पर जो है प्रियंका गांधी आई थी और 3 दिवसीय दौरा जो है उन्होंने लखनऊ के अंदर किया और 2 दिवसीय दौरे के लिए वो रायबरेली रवाना हुई थी कल। और कल जो है देर शाम तक बैठक चली और रायबरेली और अमेठी के लोगों से मुलाकात भी की और अमेठी भी गई थी प्रियंका गांधी, लेकिन आज भी जो है अमेठी और रायबरेली के लोगों से मुलाकात करनी थी। लगभग 10 बजे का समय था, 10:15 का, और 12 बजे निकलना था प्रियंका गांधी को दिल्ली के लिए, आज ही निकलना था, लेकिन वो समय जो है वो हटा दिया गया, यानी कि जो मीटिंग होनी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और प्रियंका गांधी जो है सुबह 8 बजे जो है वहाँ रायबरेली से रवाना हुई हैं। और उसके बाद जो है माना जा रहा है कि 12 बजे जो है दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक रख गई है कांग्रेस के अंदर, जिसमें प्रियंका गांधी को शामिल होना है और उसके लिए जो वो प्रियंका गांधी यहाँ से गई हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या रणनीति रहेगी, इसके बाद जो है सारी रिपोर्ट लेकर प्रियंका गांधी जो है आज पहुँचेंगी। और आज उस बैठक में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए कई और चीज़ का निर्णय हो सकता है, जो जिस तरीके से कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाना था उस पर भी ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है 4 अध्यक्ष जो है और बनाए जाए, जो कि रिपोर्ट करेंगे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को, उनसे कोऑर्डिनेट करके उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर जो है कांग्रेस जमीन पर चुनावी मैदान में उतर रही है। और इसको लेकर ही माना जा रहा है कि और रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो है तेजी से कंपेनिंग के मोड में लाया जा सके कांग्रेस की तरफ से। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम टिकटों को लेकर बातचीत होनी है, ये सारी चीज़ें लेकर प्रियंका गांधी जो है आज दोपहर 12 बजे निकलना था उनको दिल्ली के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी आज सुबह निकली हैं और 12 बजे जो है माना जा रहा है कि AICC के अंदर ये बैठक है और वहाँ पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे, जो महासचिव हैं वो भी, और इसके साथ साथ माना जा रहा है कि और भी बातों पर मंथन हो सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर। जी चलिए, शुक्रिया आपका रामानुज तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।